नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संगीता आजमन में। आज के इस वीडियो में जानेंगे सावन में कब पहला मंगला गौरी व्रत, क्या है शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और इस व्रत का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत का एक विशेष महत्व है। ये व्रत सावन महीने के हर मंगलवार को रखा जाता है। साथ ही इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और कई मान्यताएं हैं कि मंगला गौरी व्रत रखने से अविवाहित लड़कियों की शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और विवाहित स्त्री को सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। साथ ही पति की दीर्घायु होती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस साल यानी कि 2024 में पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा और इस दिन कई दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, तो इन सभी के विषय में इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो की कोई भी बात आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव, जय माता गौरी अवश्य लिखें। तो आइए जानते हैं कि मंगला गौरी व्रत का शुभ मुहूर्त और तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार सावन माह का आरंभ 22 जुलाई से हो रहा है। इस दिन सावन महीने का पहला सोमवार का व्रत रखा जाएगा और दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को पहला मंगला गौरी व्रत भी रखा जाएगा। आप चाहें तो दोनों व्रत रख सकते हैं। अगर आप दोनों व्रत लेने में सक्षम नहीं है तो इस बार 5 सोमवार आ रहे हैं, आप अगले हफ्ते का सोमवार ले सकते हैं। सोमवार के व्रतों के विषय में और सावन के विषय में भी मेरे चैनल पर वीडियो बना है। लेकिन मंगला गौरी व्रत पहली बार ले रहे हैं तो पहला मंगला गौरी व्रत जो मंगलवार के दिन 23 जुलाई को आ रहा है उसे अवश्य लें। आपको ये भी बता दूं कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 23 जुलाई को सुबह 10:24 तक है, इसलिए सावन महीने का पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को ही रखा जाएगा। सबसे पहले तो मंगला गौरी पूजन के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं और अपने नित्य कर्मों से वस्त्र होकर नहा धोकर साफ कपड़े पहन लें। उसके बाद एक पट्टे या चौकी पर लाल और सफेद कपड़ा रखें। लाल कपड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप सफेद कपड़ा भी रख सकते हैं। उसके बाद सफेद कपड़े पर 9 ढेरी चावल की और लाल कपड़े पर 16 ढेरी गेहूं की रखें। उसी पट्टे पर थोड़े से चावल रखकर गणेश जी की पूजा करें। पट्टे के एक अन्य कोने पर साइड में थोड़ा सा गेहूं की एक छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर जल से भरा हुआ कलश रख दें। कलश में आम की पत्ती या आम की शाखा डाली हो तो बहुत अच्छा ही बात है, अगर नहीं डाल सकते तो पुष्प इत्यादि से कलश को तैयार करें, जैसे हम कलश स्थापना करते हैं उसी तरीके से। इसके बाद आटे का एक चौमुखी दीपक जलाएं और उसमें 16 धूप बत्ती जलाएं। एक साथ आटे का चौमुखी दीपक बनाना है आपको। इस दिन मिट्टी का या अन्य किसी भी प्रकार का दीपक नहीं जलाते हैं माता गौरी के सामने। आप अपने मंदिर पे जला सकते हैं लेकिन माता गौरी के सामने आपको आटे का दीपक ही जलाना है और 16 धूप बत्ती उस पर जलानी है। ये बत्तियां घी या तेल अपनी सुविधा अनुसार किसी भी तरीके से जला सकते हैं। अब सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उसके बाद कलश की विधिवत पूजा करें। कलश की पूजा करने के बाद आप एक सरवा जिसे सकोरा भी कहते हैं उसमें गेहूं का आटा रखकर उस पर सुपारी और जो भी श्रद्धा अनुसार आप दक्षिणा रखना चाहते हैं उसे रखें और उस आटे को दबा दें। फिर बेलपत्र चढ़ाकर एक बार फिर से कलश की पूजा करें। कलश पर सिंदूर और बेलपत्र चढ़ाएं दोबारा से। इसके बाद चावल की जो 9 ढेरियां हैं, 9 ग्रह बनाई गई है, इनकी पूजा करें जो हमने शुरू में 9 ढेरियां बनाई थी। उसके बाद जो गेहूं की 16 ढेरियां जो षोडश मात्र का पूजन होता है उसके लिए बनाई गई है तो इसकी पूजा करें। इन पर हल्दी, मेहंदी और सिंदूर, श्रृंगार की सभी सामग्रियां ये सब भी रखें और खाली जगहों पर जनेऊ चढ़ा दें। इसके बाद कलावा मौली लेकर पंडित जी को बांधें और अपने हाथ पर भी बांधें, कलश पर भी बांधें। उसके बाद अन्य पारिवारिक जनों को भी ये कलावा बांध सकते हैं। बाकी अगर नहीं बांधना चाहते तो अपने हाथ पर बांध लें, कलश पर बांध लें, पंडित जी को बांध लें। मंगला गौरी जी का पूजन शुरू करें। गौरी पूजन के लिए एक थाली में एक चौड़ा कपड़ा रखें या चकला रख लें, उस पर गंगा की मिट्टी या जो भी पवित्र स्थान की आप पर मिट्टी है उस मिट्टी को रखें। गौरी जी की मूर्ति के आकार में ढाल दें, उस मूर्ति का एक आकार दें। आटे की एक लोई बनाकर रख दें। पहले मंगला गौरी जी की मूर्ति में जल, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, गंगाजल इत्यादि पंचामृत सभी सामग्रियां चढ़ाएं और स्नान कराकर उन्हें फिर कपड़े, नथ, डोली, चंदन, सिंदूर, हल्दी, चावल, मेहंदी, काजल जो भी श्रृंगार की 16 सामग्रियां होती है, 16 श्रृंगार होते हैं, सभी चढ़ाएं और फूल अर्पित करें। इस तरीके से आप गौरी जी को 16 माला, 16 तरह के पत्ते, आटे के 16 लड्डू, 16 फल, 5 तरह के मेवे या 16 तरह के मेवे, 16 बार चढ़ाएं। जो भी चीजें चढ़ाएंगी 16 होंगी क्योंकि श्रृंगार की सामग्री 16 होती है, तो इसी क्रम में ये चीजें भी चलती है। और इस तरह 16 बार 7 तरह के अनाज भी चढ़ाएंगे, 16 जीरा, 16 धनिया छोटे छोटे दाने होते हैं, 16 पान की पत्तियां, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, 1 सुहाग की जो डिब्बी होती है उसे, 1 डिब्बी में तेल, रोली, मेहंदी, काजल, सिंदूर, कंगा, सीसी, 16 चूड़िया व दक्षिणा इत्यादि भी आप माता गौरी के सम्मुख चढ़ाएंगे। और लास्ट में आप गौरी माता की कथा सुनेंगे। पढ़ रहे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि व्रत के दिन कथा पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है, तभी हमें व्रत का फल मिलता है। अगर आप कथा नहीं पढ़ सकते हैं तो आप कथा को सुन भी सकते हैं, किसी व्यक्ति से सुनवा लें या मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वीडियो देख लें। मेरा वीडियो नहीं भी देखना चाहते हैं तो अन्य बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, आप उन वीडियो को सुनकर अपनी कथा अवश्य सुने। इस तरीके से आप अपना मंगला गौरी व्रत के दिन ये सारी तैयारियां कर लें। उस दिन सबसे प्रेम पूर्वक बोले, गुस्सा न करें, जितना भी हो दान इत्यादि करें, ताकि किसी के साथ बहस करें, इन सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। पहले तो हर दिन दूर रहना चाहिए लेकिन व्रत उपवास के दिन हमें जितना भी हो अंत व्यवहार रखना चाहिए, तामसिक चीजों से भी दूर रहना चाहिए और व्यवहार में भी नम्रता रखनी चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, सबसे प्रेम पूर्वक बात करें, दान पुण्य करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें इस दिन। तो मंगला गौरी व्रत हमारे सुहाग की लंबी उम्र होती है और मंगला गौरी व्रत अगर कुंवारी कन्याएं रखती है तो उनको भी मनचाहा वर मिलता है, घर परिवार में सुख शांति रहती है, सौभाग्य बढ़ता है,
अगर संतान प्राप्ति के लिए भी आप इस व्रत को रखना चाहते तो रख सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों के जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो रही बहुत लंबे समय से, तो वो भी ये व्रत रख सकते हैं। तो ये व्रत की क्या कथा है। एक समय कुरुक्षेत्र में श्रुति कीर्ति नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहता था। वो बहुत ही दयावान और अनेक कलाओं से निपुण था। उसके राज्य में हर एक प्रकार का सुख था, वो बहुत ही सुखी था। किंतु उसका एक ही दुख था, उसे जो दुख सुबह शाम परेशान करता था, उसका कोई पुत्र नहीं था, उसकी संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने कई जप तप और अनुष्ठान किए, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने राजा को एक पुत्र देने का वरदान दिया। लेकिन उसका जन्म होने के साथ ही उसके मरण की भी भविष्यवाणी कर दी थी भोलेनाथ ने कि तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से समय अनुसार रानी ने एक पुत्र को तो जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने चिरायु रखा। जैसे जैसे चिरायु बड़ा होने लगा, राजा और रानी को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। राजा ने अपने राज्य के विद्वानों को बुलाकर अपनी चिंता बताई। विद्वानों ने सुझाव दिया कि राजा को किसी ऐसी कन्या से अपने पुत्र का विवाह करना होगा जो मंगला गौरी व्रत करती हो। मंगला गौरी व्रत के आशीर्वाद से उस कन्या का सौभाग्य अखंड रहेगा और उनके पुत्र चिरायु की आयु लंबी रहेगी। इस प्रकार से राजा ने ऐसी कन्या को ढूंढा और उसका विवाह अपने पुत्र के साथ कर दिया। और वो लड़के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती, जिससे चिरायु की जो अकाल मृत्यु थी वो टल गई। इसीलिए कहा जाता है कि मंगला गौरी का व्रत करने से हमारा सुहाग अमर रहता है, हमारा सौभाग्य बढ़ता है। मंगला गौरी व्रत की विधि के बारे में अगर बात करें तो व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करने हैं। फिर मंगला गौरी माता की तस्वीर को एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर स्थापित करना है और व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद आटे का चौमुखी दिया जलाएं और गौरी पूजन के लिए 16 वस्तुएं बहुत ही जो महत्वपूर्ण होती है उन्हें रखें। जैसे 16 श्रृंगार की सामग्री होती है, 16 तरह के फूल, फल, पान, सुपारी, लौंग, अक्षत विद्या, प्रसाद, जो भी आप अपने सुविधा अनुसार रखें, लेकिन इसमें 16 श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर माता के मंत्रों का जाप करें, और अगर आप माता के मंत्र नहीं जानते हैं तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तोते इस मंत्र का जाप करें। और इस व्रत का महत्व सिर्फ इतना है कि माता गौरी इस व्रत से प्रसन्न होती हैं और हमारे सौभाग्य को बनाए रखती है, हमारे पति की आयु लंबी होती है। अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो उनको भी मनपसंद जीवन साथी मिलता है और उनका वैवाहिक जीवन भी खुशहाल होता है। बहुत सी से संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए भी लेते हैं। जैसे कि इसकी कथा में ही बताया है कि राजा के पास सभी सुख संपन्नता थी किंतु संतान नहीं थी, इसीलिए रानी ने विद्वानों के कहने पर इस व्रत को किया था और उन्हें संतान प्राप्ति हुई थी। तो बहुत से लोग इसे संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति और पुत्र और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए भी लेते हैं। मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए करती हैं और कुंवारी कन्याएं जल्द से जल्द उनका विवाह हो इसलिए रखते हैं। साथ ही ये भी मान्यता है कि मंगला गौरी व्रत करने से कुंडली में कोई भी प्रकार का मंगल दोष हो या किसी भी तरह की व्यक्ति के शादी में या दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बनी हुई हो तो मंगला गौरी व्रत करने से वो समाप्त हो जाती है। तो उन्हें मंगला गौरी व्रत करना चाहिए जिनके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं। इसके साथ ही अगर आपका मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए हैं तो आप इसका उद्यापन भी कर सकते हैं। अगर आपने कई वर्षों से मंगला गौरी व्रत लिए हैं और उद्यापन नहीं किया है, ज्यादा से ज्यादा किसी भी व्रत को 16 या 20 बार ही किया जाता है। इसी तरीके से जैसे हम 16 सोमवार लेते हैं या 21 सोमवार 20 सोमवार लेते हैं, उसी तरीके से 16 मंगला गौरी व्रत या 20 मंगला गौरी व्रत करने के बाद भी आप अपने व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपके जो भी इच्छा रखकर आपने मंगला गौरी व्रत लिया था वो पहले ही आपकी इच्छा पूरी हो गई तो आप पहले भी उद्यापन कर सकते हैं। सबसे पहले मंगला गौरी व्रत करने वाली उद्यापन करने वाली महिला या कन्या जो भी हैं आप, उसे सुबह जल्दी उठना है और उसके बाद नहा धोकर लाल वस्त्र धारण करने। इसके बाद पुरोहितों को अगर पुरोहित ना मिले तो 16 सुहागन स्त्रियों को भोजन करने के लिए आमंत्रित करें। अगर कोई सुहागन महिला मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कर रही है तो उसे अपने पति के साथ हवन करना आवश्यक होता है। कोई भी पूजा व्रत या उद्यापन के बाद हमारा हवन करना बहुत आवश्यक होता है। ऐसा हमने नवरात्रि में भी देखा और अपने घर के कई शुभ कार्यों में भी देखा। हवन करने के बाद ही पूजा का उस व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इस व्रत के उद्यापन विधि अगर कोई कन्या पूरी कर रही तो उसे अपने माता पिता के साथ हवन करना होता है। अगर सुहागन स्त्री कर रही है तो उसे अपने पति के साथ बैठकर हवन करना होता है। इसके बाद माँ मंगला गौरी व्रत की तरह ही विधि विधान के साथ पूजन करें और माँ को लाल वस्त्र और श्रृंगार का सभी सामग्रियां अर्पित कर दें। 16 सामग्रियां जो श्रृंगार की होती हैं उन्हें अवश्य अर्पित करें। माँ मंगला गौरी के हवन में पूरे परिवार को सम्मिलित होना चाहिए। अगर पूरा परिवार सम्मिलित नहीं हो सकता है तो जो भी व्यक्ति घर के मुख्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और बहु बेटियां हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, उन्हें इस हवन में सम्मिलित होना चाहिए। हवन के बाद माता मंगला गौरी की आरती उतारें। माँ मंगला गौरी की आरती उतारने के बाद सभी को प्रसाद प्रेम पूर्वक वितरण करें। सभी पूजन विधि संपन्न करने के बाद माँ गौरी को किसी भी प्रकार की भूल के लिए क्षमा प्रार्थना मांगे, क्षमा मांगे। इसके बाद पुरोहित जी और सभी 16 स्त्रियों को भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद सभी स्त्रियों को सुहाग
आपकी चीजें उपहार में अवश्य दे। इस प्रकार से आप अपने मंगला गौरी व्रत का उद्यापन करें। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने जाना कि मंगला गौरी व्रत की कथा क्या है। अगर हमारे मंगला गौरी व्रत करने से हमारी इच्छा पूर्ण हो गई तो हम इस व्रत का उद्यापन किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या है उद्यापन की विधि। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा या वीडियो की कोई भी बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने साथियों के साथ साझा करें, जिससे उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही ऐसी जानकारियों के लिए, व्रत उपवास और पूजा पाठ संबंधी जानकारियों के लिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे हर लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हो। हर हर महादेव। मंगला गौरी आपके जीवन में सौभाग्य की समृद्धि करती रहे, हमेशा आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे। जय माँ मंगला गौरी, जय भोले भंडारी, ओम नमः शिवाय।